हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया के एक और नए फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उस क्वेश्चन के बारे में जो मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया जब से मैंने जियो फाइबर का नए प्लान पे वीडियो बनाया। तो उसमें सबसे ज़्यादा बार मुझसे पूछा था लोगों ने कि कैसे हम जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं सेट टॉप बॉक्स में उनको मोबाइल पे भी चला सकते हैं। तो उस समय फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से मैंने बोला था कि शायद नहीं चल पाएगा, लेकिन मैं गलत था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और इस वीडियो में मैं अपने आप को करेक्ट करूँगा और आपको पूरा तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो सारे OTT प्लेटफॉर्म ऐप्स को, जो कि आप अपने TV में यूज़ कर पा रहे हो 999 और उसके ऊपर वाले प्लान के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और आखिरी तक बने रहिए और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऐप चला पाओगे। जो भी आप चलाना चाहते हो, जो भी आप जियो फाइबर के साथ पाते हो, वो सारे आपको OTT प्लेटफॉर्म ऐप अपने मोबाइल में चलाने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप जियो फाइबर खरीदे होंगे, जब आपने जियो फाइबर ख़रीदा होगा, वो आए होंगे रजिस्ट्रेशन करने और इंस्टॉलेशन करने, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक, वो आपको लैंडलाइन नंबर देते हैं, ठीक है, और वो ये बताते हैं कि इस लैंडलाइन नंबर को आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो एक ऐप को इंस्टॉल करके, या फिर आप एक लैंडलाइन ले सकते हो। उस लैंडलाइन को लेके आप उस नंबर को उसमें फीड करवा के प्रॉपर तरीके से लैंडलाइन के रूप में उसको यूज़ कर सकते हो। वो लैंडलाइन नंबर जो होता है वो आपके एक नंबर से कनेक्टेड होता है, वो जियो नंबर से कनेक्टेड होता है। उस नंबर से ये लैंडलाइन नंबर कनेक्टेड होता है, वो नंबर आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। सबने अपना नंबर दिया होगा, कोई ना कोई नंबर दिया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। उस नंबर, वो लैंडलाइन नंबर जो है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो इस नंबर पे बेस्ड होती है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दी होती है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपने जो भी नंबर दिया हो वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने नंबर दिया है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो यहाँ पे पूरे गेम का मेन प्लेयर होगा। जो हम ये गेम खेलने वाले हैं कि किस तरीके से OTT ऐप्स को अपने मोबाइल में चलाएंगे, तो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने नंबर दिया है, एक तरह से समझ लो वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है कि आप जियो फाइबर कनेक्ट किए हुए हैं और 999 या फिर उसके ऊपर वाले प्लान से रिचार्ज है, जिसमें आपको सारे OTT प्लेटफॉर्म के ऐप्स फ्री में मिल जाएं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोन लेना है, ठीक है। फ़ोन में आप देख लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखा देता हूँ, है ना। फ़ोन में आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे कैसे आप मैंने देखिए लॉगिन करके रखा है, मैंने इसमें अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लिया है उसको, और मैं आपको कुछ कुछ वेब सीरीज़ चला के भी दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप अगर कोई वेब सीरीज चलाते हैं, ऑन करते हैं, जो प्रीमियम वेब सीरीज़ है उसका पहला एपिसोड आपको एक बार के लिए फ्री में दिया जाता है, लेकिन अगले जो सबसीक्वेंट एपिसोड्स होते हैं उस वेब सीरीज़ के, उसके लिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि उसके लिए भी आपको प्राइम मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके जियो फाइबर में आपने प्राइम मेंबरशिप ले रखी है। तो उस बेस के अकॉर्डिंग मैं ये करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो आप एक चीज़ समझ लो, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ कि मैं ये करने क्या वाला हूँ, मतलब जब आपका हो जाएगा तो किस तरीके से आप इसको देख पाओगे, है ना। आप इसको बड़ी आसान तरीके से यूज़ कर पाओगे और इसमें आप कोई भी मूवीज़ देख सकते हो, मल्टीप्लेक्स की जो भी नया टैब खुला है उसमें आप मूवीज़ देख सकते हो, कोई वेब सीरीज़ देख सकते हो, इनके सारे प्रीमियम कंटेंट देख सकते हो। और सिर्फ हॉटस्टार नहीं, हॉटस्टार तो मैं करके दिखा रहा हूँ, अब मैं एक एक ऐप को नहीं कर सकता वरना वीडियो खामखाम लंबी हो जाएगी। और प्रोसेस सबका सेम है, जैसा मैंने आपको बताया था अमेज़ॉन प्राइम का प्रोसेस थोड़ा अलग है, बाकी सबका प्रोसेस सेम है। सब में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है। साइड में तीन डंडी ऊपर टॉप पे लेफ्ट में दिख रही होगी, आप उसको दबा देंगे, वहां से आपका नाम आ रहा होगा, वहां पे जो भी आपने यूजर नेम डाला होगा वहां पे टैप करके आप लॉग आउट कर लीजिए पहले, ठीक है। पता नहीं आपने किस आईडी से लॉग इन किया है, किससे नहीं किया, लॉग आउट कर लीजिए।
उसके बाद जो रजिस्टर्ड नंबर है, जिस समय रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने नंबर दिया था, जो नंबर जियो फाइबर के थ्रू आपसे लिंक्ड है, ठीक है, उस नंबर को वहाँ पे डालिए और लॉग इन विद ओटीपी फॉर्म में सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप वो नंबर डाल के लॉग इन करते हो, आपके पास ओटीपी आ जाएगी और उस ओटीपी को डालने के बाद आप एंटर कर जाओगे हॉटस्टार में। और अब आप देखो, अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाओगे, सारी चीज़ें आप स्क्रॉल करके ढूंढ के वीडियो देख सकते हो या कोई भी प्रीमियम कंटेंट उसका देख सकते हो। ये सिर्फ मैं फिर से बता देता हूँ, ये सिर्फ हॉटस्टार में नहीं है, ये आप कर सकते हो Z5 में, वूट में, शिमारो, होयचोय, जो भी ऐप्स अवेलेबल हैं, आल्ट बालाजी, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा आल्ट बालाजी कैसे होगा, वो भी इस तरीके से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझसे पूछना, मैं फिर अगले वीडियो में एक आल्ट बालाजी या और भी जो भी ऐप्स आपसे नहीं हो पा रहे हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो मुझे ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ गई थी कि इसको कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, क्या तरीका है, पूरा प्रोसीजर विद लाइव डेमो। मुझे नहीं लगता है कि इतना क्लियर और कोई समझाएगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको बहुत ज़्यादा फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर 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 कर दीजिए। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और दूसरी तीसरी बार आए हैं और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो, ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस आते रहेंगे। इस नई टेक्नोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स पे वेरिएशंस लाने वाला हूँ मैं अभी, तो अभी आप वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।